दोस्तों, लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज नहीं हो रही इंडिया में, और इसका दुख जो है मायरा खान और फवाद खान दोनों को हुआ है कि भाई इंडियन ऑडियंस तक ये फिल्म नहीं पहुंचेगी जो कि इतनी हिट है। और इंडियन ऑडियंस भी कह रही है यार ये फिल्म लगनी चाहिए, पर आपको पता है कि जितने भी वहाँ पे जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते उन्होंने फोर्स पवा सब लगा दिया कि भाई ये फिल्म रिलीज ना हो, तो नहीं हुई। तो बस यही ऐसी करते हैं तो फिर मसले जाहिर सी बातें खड़े होते, वरना अच्छी खासी फिल्म लग रही थी वहाँ पे, लोग इंजॉय करते हैं इंडिया के भी। जाहिर सी बात है इंडिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है फवाद खान मायरा की, तो मायरा को ये अफसोस हुआ कि यार इंडियन ऑडियंस जो उसको प्यार करती है वो इस फिल्म से महरूम हो जाएगी। और तो आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना, काफ़ी इंडियन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म को कि भाई ये लगनी चाहिए फिल्म, और हमने देखना है कि फवाद खान की एक्टिंग कैसी है। और जाहिर सी बात है उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो हमेशा फवाद खान को इंडियन फिल्म में साइड किरदारों में देखते थे, ज़्यादा उसको इतनी मतलब मेन एक्टर्स एज अ लीड एक्टर में नहीं देखते थे, उसको मौका नहीं मिलता था। तो मौला जट में तो लीड एक्टर है भाई वो, तो उसको देखना इंडियन ऑडियंस को ज़रूरी था, पर नहीं। या तो भाई वो एक भाऊ भाऊ खड़े हो गए, भाऊ भी बोल रहे हैं भाई बंद कर दो। अरे भाई क्या तकलीफ है भाई, आपको कुछ बोला है क्या पाकिस्तान ने जो फजूल में बुराइयां कर रहे हो पाकिस्तान? भाई मुझे ये समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों बुराइयां करने में उनको मजा आता है कि भाई पाकिस्तान की नहीं लगेगी फिल्म, बाकी सबकी लग सकती है और ये है वो है, और पता नहीं कहाँ का है का अभी तक वही वाली लड़ाइयाँ। अबे लड़ाइयाँ छोड़ो यार, प्यार मोहब्बत से रहो, इन्जॉय करो, एक दूसरे की फिल्में देखो, एक दूसरे की फिल्मों पर बात करो, ताकि लोग जो है ना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, ये जो नफरत वगैरह। पर पता नहीं क्या सोच है यार, समझ नहीं आती। ये कुछ लोगों की सोच है जो भावी हो गई है, और वो गलत गलत पोर्ट्रे करते हैं कि भाई लड़ाई ही होती रहे। अबे यार अमन की बातें करो, और क्या कहते हैं खुश रहो, बस मज़े करो, बस ये है। तो अफसोस हुआ यार नहीं लगी फिल्म। आपको क्या इस बारे में कहना, कमेंट सेक्शन में बताना।